What's up guys, this is Vishal Singh and you are watching me at the rate of Vishalography. So today I want to show you something special. So guys, finally I have made it and this is how it looks. Hold me close till I get up. Time is barely. तो और ये मैंने कटिंग कर लिया बना के, ये वाइट पेपर था, ये ऐसा था, तो मैंने इस पे कलर कर लिया है पहले, और ये जो कलर्स है वो ये वाले हैं, तो आप भी कर सकते हो, ये रहा, इससे मैंने यूज किया है इसे, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया और उसके बाद उसके अंदर कलर्स कर दिए, और फिर उसी के बराबर पहले तो साइड साइड से अच्छे से निकाल लिया, अच्छे से मतलब कोने वाले से, और फिर उसके साइड से हल्की हल्की सी कर्व सा कर दिया और ये कुछ निकला ऐसा। और अब इसके बीच में वो ट्राइंगल सा होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल वाला, तो वही मैं इसको पेस्ट करने जा रहा हूँ और इसको यहाँ रखूँगा। और फिर ये भी एक मैंने बनाया है यहाँ पे इसको पेस्ट करने के लिए, और इसके ऊपर लिखूँगा मैं कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल फॉर सरपासिंग 100 सब्सक्राइबर्स। मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं तो उसी के लिए मैंने बनाया है, तो इसको जब पेस्ट करूँगा तो थोड़ा ऊपर कर दूंगा ताकि थोड़ा उठा हुआ लगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यू पर गोल्डन पे सूट नहीं कर रहा है, देखते हैं करके फिर पता चलेगा कैसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ जो मैंने अरेंजमेंट की है, सीजर पेंसिल कलर्स स्केच जो भी, पर मुझे ये शेडिंग वाला ही बढ़िया लगा, ये मोमी कलर से बेटर लगते हैं। तो अब मैं करता हूँ फिर आपको पूरा अच्छे से दिख। तो गाइस ये मैं अब नहीं सोच रहा, मैंने अभी अभी सोचा कि इसको ये जो कलर है वो वाइट पे ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू गोल्डन, वाइट गोल्डन देखते हैं, पर मुझे थोड़ा वाइट ही बेटर लग रहा है ये। और एक मिनट गोल्डन पे, कंफ्यूजन हो गया यार कौन सा बढ़िया है। गोल्डन ही लेते हैं, गोल्डन ही बेटर लगेगा है ना, जो रिसोर्सेज उसे यूज करना चाहिए। और अभी मैं पेस्ट भी लेके आ गया हूँ, ये अब इसी समय इसे पेस्ट करने वाला हूँ, मतलब ये है गम, अब इस समय पेस्ट करने वाला हूँ इन दोनों को पहले, और फिर इसके ऊपर कुछ लिखूंगा फॉर्म सा जिसके ऊपर मैं पेस्ट करूंगा, थोड़ा मर्ज सा लगेगा ना तो अच्छा लगेगा, मर्ज सा थोड़ा बल्जिंग सा लगेगा। तो गाइस मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है, ये फॉर्म है इसके ऊपर ही पेस्ट करूंगा मैं इसकी थोड़ी अच्छे से कटिंग करके। तो ये कोई भी नया सामान होता है जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी, तो उसमें आता है फॉर्म, तो उसी में से थोड़ा सा तोड़ दिया मैंने, अब इसको कटिंग करके और फिर इसको इस पर डालूंगा, तो दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। तो गाइस अभी मैंने जो लंबा सा था उसको काट दिया, क्योंकि वो हां ये जो लंबा सा था मैंने आपको पहले खत्म करके काट दिया ताकि इसको पेस्ट कर सकूं, पहले जो थोड़ा सा कम सा था उसको लिया था वो थोड़ा बराबर ही बैठा था, ये सही लग रहा है। तो अभी मैं इसको करने वाला हूं पेस्ट, तो फिर यहां पे इसके लिए पास एक और है बड़ा सा, तो अभी उसी को कर लूंगा मैं, फिर और बेटर लगेगा। तो गाइस अभी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको नहीं किया इस दूसरा वाला मैंने बताया था, तो मैं इसको करने वाला हूं पेस्ट, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और उसके बाद इधर और जिसके ऊपर लिखा होगा कांग्रेचुलेशन ऑन सरपासिंग 100 सब्सक्राइबर, तो अभी देखते हैं इसको भी पेस्ट कर देता हूं, फिर एनिमेशन करूंगा, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो अभी पेस्ट करता हूं इससे, तो गाइस अभी मेरे को कहीं जाने का है तो मैं अभी इसको ये जो लास्ट वाला है इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसके ऊपर लिखने का है कॉन्ग्रेचुलेशन विशालोग्राफी फॉर सरपासिंग 100 सब्सक्राइबर। तो गाइस अभी इसको छोड़ के जा रहा हूँ मैं, मेरे को कहीं जाने का है, तो ये जब तक सूख जाएगा और आके फिर मैं कर दूंगा बाकी का जो काम है इसके ऊपर लिखने का, कॉन्ग्रेचुलेशन विशालोग्राफी फॉर सरपासिंग 100 सब्सक्राइबर। सो गाइस फाइनली आई हैव मेड इट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, और ये ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है, और मैंने साथ में इसका कवर भी रख रखा है कि ये गंदा वंदा ना हो, ये ऐसे ही मिठाई के डब्बे में ये हो गया। ओ, अब खोलने पे ये देखो जा, और मैं सोच रहा हूँ तो यही है, मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने ये बना दिया, और आप भी बना सकते हो ये मिठाई के डब्बे पे, कपड़े के, किसी भी ऐसे डब्बे पे जिस पे थोड़ा अच्छा लगे। तो यही है मेरा बनाया हुआ, और मिलते हैं कौन है फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक बने रहो हमारे।